स्पोर्ट्स एरिना, शुरू करते हैं चैप्टर 18 स्पोर्ट्स एरिना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, राइट द नेम ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स, हमें गेम या स्पोर्ट्स का नाम लिखना है विद विच दीज ग्राउंड्स प्लेसेस आर एसोसिएटेड, जिनके लिए ये ग्राउंड्स और प्लेसेस एसोसिएट किए गए हैं, मतलब असाइन किए गए हैं या यहाँ पर इनको खेला जाता हो। तो सबसे पहले हमारे पास है ब्लैकहेथ लंदन। तो ये जो ग्राउंड है या जो स्टेडियम भी है, इसमें बहुत सारे ग्राउंड्स भी हैं, तो ये किन किन स्पोर्ट्स के लिए एसोसिएट किए गए हैं ये हमें इसमें बताना है। सो नंबर वन पे वी हैव ब्लैकहेथ। सो ये है यहाँ पर रग्बी के लिए। सेकंड वी हैव विंबलडन इंग्लैंड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेला जाता है लॉन टेनिस, लॉन टेनिस। ईडन गार्डन्स इंडिया, क्रिकेट। लॉर्ड्स इंग्लैंड इज ऑल्सो फॉर क्रिकेट। ओके, आगे चलते हैं, पटने इंग्लैंड, दिस इज फॉर बोट राइडिंग। ओके, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इंडिया, दिस इज ऑल्सो फॉर क्रिकेट। स्टार्ट कर रही हूँ सेवन से, हर्लिंगम इंग्लैंड इज फेमस फॉर पोलो। फॉरेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में भी लॉन टेनिस। ओके, यंकी स्टेडियम न्यूयॉर्क बेसबॉल। वेम्बली स्टेडियम इंग्लैंड फुटबॉल। सो ये सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं इन फेमस ग्राउंड्स और प्लेसेस पर। सो यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। सो यहाँ पर हमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। द फर्स्ट बेसबॉल स्टेडियम इन द US वॉज यूनियन ग्राउंड्स बेसबॉल पार्क इन ब्रुकलिन 1862 ब्रुकलिन में यूनियन ग्राउंड्स बेसबॉल पार्क था US में, जो पहला बेसबॉल स्टेडियम था। ओके बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है।